नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। देश के विकास से लेकर समाज के निर्माण में एनजीओ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन को लेकर पिछले कुछ समय से एक नई बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं और उनकी दलील ये है कि व्यावसायिकता हावी होती जा रही है, एनजीओ के ऊपर अब सेकेंडरी हो गई है एनजीओ के लिए मानव सेवा और जनसेवा। इसी मुद्दे पर खास हम बात करेंगे और आखिर ये सवाल का जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में गैर सरकारी संगठन गैर सरोकारी संगठन हो गए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व निशक्त जन आयुक्त दीपांकर बनर्जी। दीपांकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक नई बहस छिड़ गई है एनजीओ के मामले में, आप काफ़ी जानकार हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व में आयुक्त भी रहे हैं निशक्त जन के। जो बहस जिस प्रकार से हो रही है कि व्यावसायिकता हावी हो रही है एनजीओ के ऊपर, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, हर वर्ग में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ अच्छा काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको पद्म भूषण अवार्ड तक मिलता है, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने रजिस्टर या कागज में ही एनजीओ को चलाते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हमको पैसा कमाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि ऐसे मुश्किल से 10-20% लोग होते होंगे जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन जो 75-80% जो अच्छा काम कर रहे हैं सामाजिकता के लिए, विकलांगता के लिए या किसी भी क्षेत्र में, उनको जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है गवर्नमेंट का इतना जटिल है प्रक्रिया, किसी भी काम को आपको करवाना, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करने से लेके पास करने से लेके 31 मार्च नज़दीक आ रहा है, लेकिन अभी तक साल साल भर के एनजीओस को पेमेंट नहीं मिलता है, भुगतान नहीं मिलता। तो साल भर वो एनजीओ किस तरह से काम करता है, उसके बाद किस तरह से अपने एम्प्लॉयियों को पैसा देता है, तो इन सब के कारण ये समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। जब हम इसको पूरा ईजी वे कर देंगे कि सिस्टमेटिक रूप से एक समयबद्ध टाइम रहेगा कि इतने समय में ये प्रोजेक्ट जिले से, प्रदेश से और केंद्र से स्वीकृत हो जाएगा और संबंधित एनजीओ को पैसा मिल जाएगा, तो काम और स्मूथली होगा। अभी भी एनजीओ काम करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, डोनेशन इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पूरा वर्ष भर काम करने के बाद उनको पैसा मिलता है, वो भी कहीं आधा या पौना। तो विसंगतियाँ तो आती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर एनजीओ अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छा ही प्रस्तुति देना चाहते हैं, बाकी कुछ 10-20% को छोड़ देता हूँ। सरकारें चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, बहुत सारी नई नई योजनाएं जो है फ्लैगशिप योजनाओं की शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि एनजीओ की सहभागिता के बिना इनको जो है रिजल्ट मुश्किल है पाना? बहुत मुश्किल है। हमारा कहना है कि सरकार की एक स्पेसिफिक वो होना चाहिए कि सरकार का काम मैनेजमेंट देखना है, मॉनिटरिंग करना है, न कि कार्य को करना। हर कार्य सरकार नहीं कर सकती है जब तक आप एनजीओ का बराबर से उसमें योगदान न लें। जैसा कि कहावत ही है कि कोई काम आपको करवाना है तो यदि आपने सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराया तो आधा काम होना, आधा नहीं होना है। उसी तरह यह भी कहावत है कि यदि आपने एनजीओ से काम कराया तो 75-80% कार्य होना है, बाकी का पैसा बेकार जाता है। तो इन सब से मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो काम एनजीओ का है वो एनजीओ के माध्यम से ही होना चाहिए। सरकार मॉनिटरिंग जरूर करे, लेकिन इनको पूर्ण सहयोग देके काम करने का वो दे। और हर 3 वर्ष का, हर वर्ष का ऑडिट होता है, 3 साल का हम रिकॉर्ड देखने के बाद ही इनको सब डोनेशंस ग्रांट्स जो भी देना शुरू करते हैं। तो जो एक संस्था 3 वर्ष अपने दम पे काम करती है तो वो कुछ ना कुछ तो करती होगी, तब जाके वो इस स्तर तक पहुंचती है। तो वो सब क्राइटेरिया को देख के ही काम करेंगे तो बिल्कुल सहयोग मिलेगा और अच्छे से अच्छा काम एनजीओ के माध्यम से ही हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती हर काम को। सरकारी योजनाओं में आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति आजकल काफी तेजी से बढ़कर सामने आई है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार के अधिकांश काम एनजीओ के जरिए होंगे, एनजीओ में स्कोप बढ़ता जा रहा है? आउटसोर्सिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होता है कि सबसे पहले प्राइवेट एजेंसीज को दिया जाता है जो कि कमर्शियली सोचती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो चाहे नेशनल हो, लेकिन हमारा सोच है कि एनजीओ के थ्रू वो काम होना चाहिए, न कि प्राइवेट फर्म्स, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स का मोटिव यही रहता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकें कम से कम खर्च में और बाकियों को बांट के हमारा कितना प्रॉफिट हो। लेकिन एनजीओ का ये सोच रहता है, एनजीओ का ये सोच रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को दें और कम से कम खर्चे में हम उसको वहन करके एक आइडियल पेश करें कि समाज के अंत में जो व्यक्ति बैठा है उस तक इसका लाभ पहुंचे।
लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आई है, आईबी तक ने अलर्ट जारी किया है, ये कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें इसमें एनजीओ के जरिए देश में घुस रही हैं और सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर बढ़ावा दिया जाए तो ऐसी प्रवृत्तियां भी आएंगी? देखिए, बढ़ावा हम अपने देश के एनजीओ को दें जो भारतीयता को, अपने देश को भारत माँ समझें और उसके साथ प्यार करते हों। ज़्यादातर हम ये जो समस्याएं देखते हैं, ये जो कंप्लेंस आती देखते हैं, ये सब जो विदेशी फंडेड एजेंसीज हैं या दूसरी, चाहे कि आप कह लें क्रिश्चियन मिशनरीज चला रही हैं या बहुत से और भी मुस्लिम संगठन चला रहे हैं, तो ये सब लोग इस तरह के कार्य करते हैं। जो हमारे देश का व्यक्ति है, हमारे भारत देश का व्यक्ति है, वो यहाँ जो एनजीओ चलाता है वो इस देश का अच्छा ही सोच के चलाता है। लेकिन ये जितनी बाहर की एजेंसीज हैं, इन सब मिशनरीज के माध्यम से, क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम मिशनरीज के माध्यम से, ये लोग पूरे फंड के द्वारा धर्मांतरण करते हैं, लालच देते हैं, सेवा कार्य करते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो सेवा कार्य नहीं करते, लेकिन उनके सेवा कार्य का जो मुख्य उद्देश्य या मोटिव है वो गलत है कि फाइनली हम इनको अच्छा इलाज दे के उनका धर्म का धर्मांतरण कर दें या उनको अपने तरफ किस तरह से जोड़ सकते हैं। ये गलत मोटिव लेके काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। और अभी भी जितने भी हम चेक्स लगाते हैं उसके बाद भी फॉरेन फंडिंग आ रही है। हमारे यहाँ बहुत से नियम कानून है इसके लिए कि आपको FCRA लेना पड़ता, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद जो फॉरेन फंड आता है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हर साल आपको देना पड़ता है। उन सब के बावजूद इन एजेंसीज को पैसा आ रहा है और ये काम धड़ल्ले से मध्य प्रदेश या पूरे देश में आदिवासी अंचलों में चल रहा है। आपने मॉनिटरिंग का भी जिक्र किया था, वैसे मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार के मॉनिटरिंग सिस्टम है एनजीओ को लेकर सरकार का, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है या मौजूदा सिस्टम ठीक है? बहुत सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत सिस्टम है अभी जो चल रहा है मॉनिटरिंग का, क्योंकि एक जिले में कोई भी काम की मॉनिटरिंग करनी रहती है तो उस जिले में उस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी रहता है वो इसका इंचार्ज रहता है, उसको फुर्सत रहती नहीं है, वो अपने स्तर पे एक कमेटी बना देता है, कमेटी के लोग जाते हैं, जैसी रिपोर्ट लाके देते हैं उसको ही वो प्रस्तुत कर दी जाती है। यदि वो कमेटी के लोग निष्पक्ष नहीं रहे तो गलत रिपोर्ट उसके माध्यम से आ जाती है। तो उसमें अधिकारी स्तर का व्यक्ति होना चाहिए और एक अलग सरकारी विभाग छोड़, जो शहर में इतने गणमान्य लोग हैं जो कि आपके समिति में कार्य कर सकते हैं, चाहे सीनियर पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, एक्स MLAs, MPs, ऑफिसर्स हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोई भी हो, उनको साथ में रख के जब ये काम किया जाएगा तब वो निष्पक्ष और सही काम होगा मॉनिटरिंग का, उसके बिना नहीं हो सकता। जिस प्रकार से शिकायतें हाल के दिनों में काफी तेजी से बढ़ गई है, क्या ऐसी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि क्या एनजीओ अपने एक नेक मकसद को लेकर शुरू हुए थे और अपने मूल मुद्दे से अब भटकते जा रहे हैं? ज्यादातर एनजीओ तो जो अपने मूल मुद्दे को लेकर चले थे वो चल रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनको ना अनुदान मिल पाता है ना ग्रांट मिल पाता है, वो अपने दम पे काम करते हैं। ये जितने सब गलत कार्य हैं ये वही एनजीओ करते हैं कि जो सिर्फ पैसा लेना, कमाना, खाना और खिलाना करते हैं, वही लोग ये सारे तरफ दुर्गंध फैला रहे हैं और उन्हीं को पैसा मिलता है क्योंकि वो हर स्टेप में पैसा खिलाते हैं और उनके प्रोजेक्ट पास होते हैं, इसलिए वो लोग गलत काम करते हैं। और जो बेचारा अच्छा काम कर रहा है एनजीओ, वो कई सालों से काम करने के बाद भी आज की स्थिति में, मैंने 6 साल देखा आयुक्त निरीक्षक रहते हुए, कि उनको अभी तक ग्रांट अनुदान नहीं मिल पाए हैं और पिछले कई वर्षों से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फिर मिशनरीज हो या हमारी संस्थाएं हो हमारे देश की। वो भी आपके टेन्योर की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के उल्लेखनीय आपके काम रहे हैं, क्या आपने फाइंडिंग की है इतने सालों में जो वहां पर काम करके आपने क्या पाया है, क्या देखा है? सबसे प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से श्री TN सेशन के पहले किसी को पता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है, उसी तरह मेरे बनने के बाद मैंने ये चीज़ स्थापित की कि आयुक्त निशक्तजन का एक दायित्व भी होता प्रदेश में, कोई कमिश्नर भी होता है और उसके ये काम रहते हैं, और उसके अंतर्गत आयुक्त हर जिले का कलेक्टर अपर आयुक्त निशक्तजन होता है। तो अब सबको कम से कम पिछले 6 वर्षों के हमारे कार्यकाल में ये जानकारी है कि आयुक्त निशक्तजन मतलब विकलांगों का काम देखने वाला आयुक्त, और इसके अंतर्गत हमने जहाँ जहाँ भी मॉनिटरिंग की, इंस्पेक्शंस किए, मोबाइल कोर्ट्स किए, सबके माध्यम से हमने यही अवेयरनेस फैलाई कि हर विकलांग को अपना अधिकार है प्राप्त करने का। इसके 60 ऐसे नियम अधिनियम बनाए गए हैं PWD एक्ट में, पीपल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, और उसका लाभ लेने के लिए वो जिले में कलेक्टर के पास, उधर काम ना हो तो प्रदेश में आयुक्त के पास, और यहाँ भी काम ना हो तो केंद्र में भी मुख्य आयुक्त निशक्तजन बैठता है, उसके पास जाके वो अपना काम करवा सकता है।
और ये अवेयरनेस अब इतनी फैल गई है कि हर विकलांग को मालूम है कि यदि हमारी कोई समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है तो वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचता है, और उस स्तर पे भी यदि सुनवाई नहीं होती तो सीधे आयुक्त जन मध्य प्रदेश के पास वो अपना काम लेके पहुंच जाता है। और उसको जुडिशियल पावर्स भी हैं आयुक्त को कि वो अपने कोर्ट में केस समन करके सुओ मोटो केस लेके कोई भी निर्णय दे सकता है, फिर वो चैलेंज हाई कोर्ट में ही हो सकते हैं। हाल के दिनों में विकलांगों को लेकर देश भर में एक नई बहस भी छिड़ी है, प्रधानमंत्री खासकर प्रधानमंत्री जी के दिव्यांग के संबोधन के बाद। आप क्या महसूस करते हैं, दिव्यांगों का संबोधन बदलेगा या फिर नजरिया भी बदलेगा? दोनों चीज बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो दिव्यांगों को उस नजर से देखते हैं कि इनको हम किस तरह से सहयोग कर सके, बेचारे रूप से इनको हम देखते हैं, तो उनको बेचारापन बिल्कुल ना समझे। वो सब स्वयं में सक्षम है, उनकी एक इंद्रिय यदि खराब है तो दूसरे एक इंद्रिय भगवान उनको देता है, उसमें वो अच्छे से अच्छा कार्य परफॉर्मेंस देते हैं। चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, वो अपने टेबल में बैठ के जितना काम करता है विकलांग एम्प्लॉय, उतना एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता। वो 10 बार उठ के दिन में चाय पीने जाएगा, गुटखा खाने जाएगा, कुछ करने जाएगा, लेकिन एक विकलांग व्यक्ति पूरे टाइम बैठ के अपने फील्ड का काम करता है टेबल पे। तो उनसे हमको सिर्फ उनको मौका देना है। सरकार ने नियम बनाए हैं, केंद्र सरकार ने 3% के आरक्षण का नियम बनाया है, पूरे पद भरे नहीं जाते। प्रदेश सरकार ने 6% का आरक्षण का नियम बनाया है, पूरे पद भरे नहीं जाते। तो ये सब जो अपने यहाँ विसंगतियां हैं कि हर विभाग का व्यक्ति सोचता है कि हम सिर्फ शारीरिक विकलांग को ही अपॉइंटमेंट देंगे, हम दृष्टिबाधित को नहीं देंगे, हम मूक बधिर को नहीं देंगे, तो ये सब भ्रांति अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने घर पे उसको नौकरी पे नहीं रख रहे हैं। सरकार ने एक पीडब्ल्यूडी एक्ट का ये पास किया है जो वर्ल्ड में, और इसमें करीब 100 से 150 देश इसके हिस्सा लिए हुए हैं कि उन्होंने साइन किया है ट्रीटी कि हम विकलांगों को जैसा पूरे दुनिया में राइट्स प्राप्त हैं वो हम यहाँ देंगे, तो उसके लिए वो बाध्य है देने के। लेकिन उसके बाद भी ऐसे अधिकारी लोग हैं कि वो उनको ये लाभ उनका देना नहीं चाहते हैं, जो कि गलत है। इसको हमने 6 साल में बहुत कुछ अलग किया है। बहुत से कलेक्टर्स हमको इस तरह के मिले कि वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं इस काम में, और बहुत से ऐसे भी मिले कि वो सोचते हैं तो ये फ्री टाइम का काम है, समाज सेवा का काम है, जब कोई काम ना हो तब इसको देख लो, या इस विभाग में किसी भी कमिश्नर का या किसी भी अधिकारी का पोस्टिंग होती तो लगता है कि उसको हम किसी डमी पोस्ट में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो जो कि गलत सोच है। और मोदी जी का सोच हम इसलिए कहेंगे कि बहुत अच्छा, सिर्फ दिव्यांग उन्होंने नाम ही नहीं रखा, उन्होंने मन की बात में हर बार ये बात उल्लेख किया है। हमारे ये जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, अभी विगत वर्ष ये ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस तक में भाग लेकर आए हैं, और वहाँ से आने के बाद मोदी सरकार ने इनको सबको लाखों रुपए के पुरस्कार दिए हैं, जिसमें कि मैं अपने जबलपुर शहर का ही बताना चाहूँगा कि 2 बच्चों को 3-3 लाख के पुरस्कार मिले हैं केंद्र सरकार से, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार भी इसमें इनको कुछ सहयोग करे, क्योंकि हर बार उन्होंने किया है। एक ने सिल्वर मेडल जीता है, एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये जितने मेडल ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जीत के लाते हैं 150-200 देश के अंदर कॉम्पिटिशन में 7 एथलीट के बीच में, उतने हमारे सामान्य लोग जीत के नहीं लाते, लेकिन फिर भी इनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता जितना कि हमारा एक सामान्य व्यक्ति मेडल जीत के आता है तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। और लेटेस्ट में भी आज ही मुझे पता चला कि रजनीश को भी एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उसके लिए भी हम लोग बात करके प्रयास करेंगे केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों उसको सम्मानित करें। विकलांगों के पुनर्वास के लिए, स्वावलंबन की दिशा में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार बातें हो रही, कई सालों से मैं भी सुनता आ रहा हूँ और समाज में भी इसकी बातें प्रचारित की जाती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान में मौजूदा समय में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उनको हम संतुष्ट हैं सरकारों के प्रयासों से? नहीं, संतुष्ट तो हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि हर बार हम यही सोचते हैं कि हर सामान्य व्यक्ति की सोच रहती है कि ये काम सरकार का है, तो हर काम सरकार का नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सरकार ही हर कुछ काम नहीं कर सकती है, हर समाज के व्यक्ति का ये काम है कि वो अपना परिवार और घर छोड़ के कुछ समाज के लिए भी काम करें, और समाज का काम उसी समय हो सकता है जब वो इन लोगों के लिए एक एनजीओ बनाए या ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाकर उनके सहायता सहयोग करने का प्रण ले, तभी हम अपने जिले में प्रदेश में इनको इनके जो अधिकार हैं दिलवा पाएंगे। दीपांकर जी, अपने चर्चा की सरकार में सहभागिता की और सरकारी योजनाओं के सकारात्मक नतीजों में एनजीओ की सहभागिता की, अगर समाज में फैली कुरीतियां हो, विसंगतियां हो, उनको दूर करने में आप इनकी भूमिका को कहां रेखांकित करते हैं, कहां देखते हैं? आपको लगता है कि एनजीओ और गैर सरकारी संगठन अगर पूरी आत्मविश्वास के साथ अगर इसमें शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मैं इसमें से आपको सबसे प्रमुख मेन एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने इसके लिए प्रयास कर, और मुझे तो लगता है कि प्रदेश में ही नहीं देश में
हमारा ये जो एनजीओस का फील्ड है, खासकर विकलांगता का जबलपुर में, ये अपने आप में एक अनोखा ऐसा फील्ड है कि जिसमें पूरे विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ इकट्ठे होकर विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। यदि हम ओलंपिक करते हैं उसका मनाते हैं, उसके कोई भी इवेंट्स हैं, और यदि हम स्पेशल ओलंपिक के खेलकूद करते हैं उसमें भी भाग लेते हैं, तो यहाँ के पूरे एनजीओ इकट्ठे होकर यूनाइट होकर काम करते हैं। तो जब हमारे जिले में ऐसा काम हो सकता है तो हम चाहते हैं वैसा ही हमारा प्रदेश में भी हो और देश के हर जिलों में इस तरह के ग्रुप्स बने, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक एनजीओ पूरा काम हर तरह का कर ले। यदि पूरे एनजीओ अपने आप में मिल जाएंगे तो हर कोई का अपना अपना पार्ट रहेगा, तो उसके आधार पे हम बड़े से बड़ा काम एनजीओ के माध्यम से कर सकते हैं और इनके लिए रिहैबिलिटेशन का अच्छे से अच्छा सेंटर यहाँ ला सकते हैं। आप भी और आप अपना आपका पूरा परिवार भी इस काम में, पवित्र काम में लगा हुआ है, पिछले कई सालों से आप भी इसका संचालन करते आ रहे हैं। फीडबैक की अगर बात की जाए तो क्या पाया है आपने अभी तक उसमें? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम हमारे परिवार ने करीब 1985 से प्रारंभ किया, जब हमारी जो बड़ी दीदी रोमा दीदी शादी होकर बैंगलोर गई, तो वहाँ पे एक सेवा इन एक्शन प्रतिष्ठान से वो जुड़ी। फिर उन्होंने बोला वहाँ से फ़ोन करके, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है और सभी लोग ये पूछते हैं जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस फील्ड में कैसे, क्योंकि इस फील्ड में या तो वही लोग जाते हैं जिनके परिवार में कोई विकलांग हो या वो खुद विकलांग हो, लेकिन भगवान की दया से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे यहाँ इस तरह का कोई विकलांग न होने के बाद भी हमारा परिवार 3 प्रदेशों में 4 प्रदेशों में ये काम कर रहा है। उन्होंने बैंगलोर में काम शुरू किया, उसके बाद मल्लिका दीदी ने 91 में जबलपुर में काम शुरू किया वहाँ से ट्रेनिंग लेके। उसके बाद वो शादी के बाद जब चली गई हिमाचल, तो उन्होंने हिमाचल चेतना में भी एक सेंटर डाला बिलासपुर में इस नाम से। तो 3 प्रदेशों में हम लोग ये काम कर रहे हैं, और फिर हमारी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो भी चंडीगढ़ में साइकेट्रिस्ट इसी फील्ड में काम कर रही हैं। तो हम लोग 3 प्रदेशों में विकलांगता का काम कर रहे हैं, और हमारी सोच यही है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और जब तक सच्चे मन से कि हमको इसमें से एक पैसा इनकम नहीं लेना है तब तक हम काम नहीं करेंगे, तो ये काम कभी सफल नहीं होता है। और मैंने बड़े से बड़े आयोजन करके भी देख लिए हैं कि जेब में मेरे पास एक रुपये भी नहीं रहता है, लेकिन मैंने 2003 में पहला यहाँ पे स्टेट ओलंपिक्स कराया था और उसमें कई लाख रुपए हमने खर्च किए, और अंततः हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उस समय एनडीए गवर्नमेंट थी, तो हम जाके केंद्र सरकार से भी पैसा लेके आए थे और बच्चों ने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में यहाँ भाग लिया था। और कहीं ना कहीं से यदि आप अच्छे सच्चे मन से काम करते हैं तो भगवान आपका सहयोग सहायता करता ही है और आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ सालों की अगर डेंसिटी देखा जाए तो क्या विकलांग तादाद बढ़ रही है, इसको सीखने की ललक ज्यादा हो रही है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, लेकिन आपका नतीजा जानना चाहेंगे कि क्या निकाला है आपने? देखिए, अवेयरनेस की बहुत कमी है। 12th के बाद, कॉलेज के बाद ऐसे बहुत से स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं इस फील्ड में, चाहे मंदबुद्धि के क्षेत्र में हो या शारीरिक रूप से विकलांगों के क्षेत्र में हो या HI के क्षेत्र में हो या मुखबधिर या दृष्टिबाधित के क्षेत्र में हो। इसमें बहुत टीचरों की आवश्यकता है, टीचर्स की आवश्यकता है जो कि इस फील्ड में हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसका इनको हम जॉब भी दे सकते हैं, NGOs पे जॉब मिल सकता है, शिक्षा विभाग में जॉब मिल सकता है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है। हम लोग भी यहाँ कॉलेज शुरू किए हैं, दूसरी संस्थाओं ने भी कॉलेज इनका शुरू किया कि 12th के बाद ये लोग ये स्पेशलाइज्ड कोर्स 2 साल का भी कर लेते हैं, तो इनको बहुत अच्छा स्कोप आगे मिलता है। और सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का इतना डिमांड है कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हम इनके बराबर करने के लिए हमको अगले कई वर्ष तक ऐसे ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, ऐसे कॉलेजेस और खोलने पड़ेंगे कि हम इनको ट्रेन कर सकें और इन बच्चों के लिए हम, क्योंकि 10 के ऊपर रेशियो चलता है एक अटेंडेंट और एक टीचर, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ एवरेज 3% हम सोचते हैं विकलांग हैं। तो यदि आप पूरे जनसंख्या ले लें 125 करोड़ की, तो उसका 3% काफ़ी हो जाता है आपका। उसका अंदाज करके आप ये सोचें कि हमको पर 10 पे एक टीचर चाहिए, तो हमारे यहाँ अभी बहुत स्कोप है, बहुत रिक्वायरमेंट है। यदि हम प्रयास करेंगे तो हम इनको बिल्कुल मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, और इनमें बहुत खूबियाँ रहती हैं। इनको कुछ भी आप ट्रेनिंग दो, बहुत एकाग्रता से सीखते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं, और अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। आपके स्कूल के बच्चों की अगर बात करें तो पूर्व में जिनको आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी है, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़ा है, उनमें कितने तादाद सफल विद्यार्थियों के अगर अनुपात देखा जाए तो कितने हैं ऐसे, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारी आप लोग? देखिए, इसमें हम लोग जो है इन बच्चों को 2-3 तरह से ट्रेन करते हैं। एक उनका सबसे अच्छा जो रिहैबिलिटेशन होता है वो खेलकूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से इनको हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक
जिला स्तर, संस्था स्तर और उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल तक इनको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो ये घर से निकलते हैं बाहर एक टीचर के साथ, अनजान टीचर के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं, बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मतलब ऐसा तक हुआ, एक बच्ची यहाँ से गई इंटरनेशनल लेवल तक होके जब घर आई तो बोली नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ बहुत गंदगी है, सफाई नहीं है, नाली साफ नहीं रहती, घर साफ नहीं। तो मतलब वो उस स्तर तक जाके आके उसने अपने घर को भी अपग्रेड किया। और वो एक बच्ची, एक छोटे से परिवार की मुस्लिम बच्ची है निशात खान, वो भी 3 लाख रुपए जीत के आई। मतलब जिसकी ये स्थिति नहीं थी कि उसके परिवार के लोग इतना पैसा कमा सकें, तो इन लोग सपोर्ट भी देते हैं। सेकेंडली हम लोग एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन देते हैं, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे उतने स्तर तक तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके ब्रेन की कैटेगरी के हिसाब से 5वीं 8वीं 10वीं तक ये लोग पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के बाद इनको एक तो पेंशन है 500 रुपये की, फिर जॉब्स में इनको हम लोग बहुत से दुकानों में, बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स में सिलाई वगैरह सिखा के इनको रिहेबिलिटेट कर देते, तो ये लोग नौकरी भी करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। तो इनको हम लोग नौकरियों में लगा देते हैं जहाँ तहाँ। और एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन के बाद मतलब उनकी एजुकेशन हम लोग अपने स्कूल में पढ़ाने के बाद उनको इस लायक बना देते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में भी जाकर पढ़ाई कर सकें। तो उनको धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल स्कूल में रिहेबिलिटेट करते जाते हैं। तो एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन करते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का हमारे गवर्नमेंट का कोर्स चल रहा है 3 महीने का, उसमें इनको स्टाइफन भी मिलता है 2 या 3 हज़ार रुपये कुछ महीना है, और साथ में इनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद इन लोगों को हम फंडिंग दिला के किसी से भी सिलाई मशीन दिलवा दी, कंप्यूटर दिलवा दिया, टाइपराइटर दिलवा दिया, दिलवा के इनको स्वयं डिपेंडेंट बना देते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होकर काम करें, और परिवार के लोग 2-4 साथ में जोड़ देते हैं। तो इनके द्वारा आजकल ये नया चालू हुआ है आपका स्किल डेवलपमेंट, तो इसका भी हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, इसकी भी बातचीत चल रही है कि इसके माध्यम से इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके, क्योंकि उसमें एक बहुत एक हार्ड लॉ है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद इतने प्रतिशत लोगों को नौकरी दिलवानी ही पड़ेगी, तो उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो उस कारण से उसमें थोड़ा विसंगति आ रही है, तो वो सब यदि क्राइटेरिया अलग कर देंगे तो हम और ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देके उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम स्पोर्ट्स के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा इन बच्चों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। और हम अपने संस्था में भी 2-3 लोगों को एंगेज किए हुए हैं, उनको पढ़ा के बच्चों से हमने टीचर बना के एज असिस्टेंट टीचर वो लोग पढ़ा भी रहे हैं, कुछ बच्चे एज असिस्टेंट का भी काम कर रहे हैं हमारे खुद की संस्था में। दीपांकर जी, एनजीओ से रिलेटेड कामकाज और दिव्यांगों के पुनर्वास के मसले पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व निशक्त जनायक दीपांकर बैनर्जी। गैर सरकारी संगठन क्या गैर सरोकारी संगठन के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं, इसी खास मसले पर ये थी हमारी आज की चर्चा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हैथवे न्यूज के साथ। अगर